देश के लिए साल की शुरुआत काफी खास रही, क्योंकि शायद 2024 के बाद से हर साल साल में दो बार दिवाली मनाने का ट्रेडिशन शुरू होने वाला है। राम मंदिर बनने के बाद इंडिया में अयोध्या स्पिरिचुअल सिटी बनकर उभर रही है, जिसका फायदा पूरे देश को होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकेले श्रीराम जी का मंदिर ही यूपी को आने वाले कुछ ही सालों में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़ा रोल निभा सकता है। केवल राम जी का ये मंदिर ही इतने लोगों को रोजगार देगा जितना कई फैक्ट्रियां भी मिलकर नहीं दे सकती। तो आखिर कैसे अकेले राम टेम्पल ही पूरे उत्तर प्रदेश की, या यूं कहें कि पूरे भारत की तकदीर बदलने वाला है, आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अयोध्या के मास्टर प्लान 2031 के अकॉर्डिंग आने वाले 10 सालों में 85,000 करोड़ रुपए अयोध्या में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इनमें से 15,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट कार्यों का इनॉग्रेशन ऑलरेडी 22 जनवरी को हो चुका है। सोचिए कि केवल अयोध्या में 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब होगा तो वहां कई तरह के अलाइड बिजनेस, स्मॉल मीडियम बिजनेस और क्रिएट होंगे। अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में विकसित करने का जो लक्ष्य यूपी सरकार का है, अयोध्या में एंट्री करते ही आपको इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। टूरिस्ट के वेलकम के लिए अयोध्या में ब्यूटीफुली एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। अयोध्या तक जाने वाले सभी हाईवेज पर ये द्वार बनाए जा रहे हैं और टोटल 6 गेट के प्लान को अप्रूवल मिल गया है, जिसका डिजाइन भी राम मंदिर के जैसा ही होगा। इतना ही नहीं, इनके नाम भी रामायण के कैरेक्टर पर ही रखा गया है। इनके नाम है श्री राम द्वार, हनुमान द्वार, लक्ष्मण द्वार, भरत द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ द्वार। इन एंट्री गेट्स की खास बात ये भी है कि इनके पास बड़े पार्किंग लॉट, रेस्टोरेंट जैसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहेंगी। राम टेम्पल बनने का सबसे बड़ा फायदा होगा टूरिज्म सेक्टर को। अयोध्या में मंदिर के खुलने के शुरुआती 2 से 3 महीने में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु रोज आने का अनुमान है, यानी महीने में 1.5 से 2 करोड़ लोग। अब जब इतने लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे तो राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र में तो चहल पहल रहेगी, साथ ही अयोध्या के अन्य मंदिरों की किस्मत भी चमक जाएगी। लेकिन टूरिस्ट को अयोध्या विजिट करने के लिए जरूरत होगी ट्रांसपोर्ट की, इसे ट्रैवल सेक्टर में भी जबरदस्त बूम देखने को मिलेगा। अयोध्या में एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का नाम रामचरितमानस के क्रिएटर के नाम पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, जिसे काफी रेनोवेट किया जा चुका है। बाहर से ये एयरपोर्ट जितना ट्रेडिशनल दिखता है, अंदर से उतना ही मॉडर्न भी है। इसके अंदर फाउंटेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर प्लांट जैसे कई मॉडर्न फीचर्स भी हैं। पहले जहां मुंबई से अयोध्या हफ्ते में 1 फ्लाइट चलती थी, अब दिन में 4 फ्लाइट चलती हैं और वो भी एकदम फुल। और अब यहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चालू हो चुकी हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज, 240 करोड़ रुपए लगाकर अयोध्या धाम जंक्शन बनाया गया है। बेस्ट फैसिलिटीज के अलावा सबसे ज्यादा स्पेशल यहाँ का डिजाइन है, जो खुद राम मंदिर से इंस्पायर्ड है। इसका सेंट्रल डोम का टॉप भगवान राम के मुकुट के आकार का है। रेलवे ने अयोध्या दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई है, खास तौर से इनॉगरेशन के समय इस पूरे ओकेजन के लिए, और इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर और भी कई ट्रेन चलने वाली है। रोडवेज की बात करें तो अयोध्या के आसपास जितने भी कंजेस्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी के लिए अच्छी 4 लेन रोड का भी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। और तो और 400 करोड़ के बजट के साथ वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है। अब अगर वाटरवेज की बात करें तो अब अयोध्या तक पानी के रास्ते से पहुंचना भी पॉसिबल होने वाला है। वाटर टूरिज्म को एनकरेज करने के लिए बहुत जल्द अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट के बीच वाटर मेट्रो को चलाया जाएगा। ये वाटर मेट्रो यूपी की पहली और इंडिया की दूसरी वाटर मेट्रो होगी। इसके अलावा 2 वाटर मेट्रोज अयोध्या से वाराणसी चलाई जाएंगी। इन एयर कंडीशन वाटर मेट्रो में एक बार में 50 लोगों का ट्रैवल करना पॉसिबल होगा। इस इनिशिएटिव के जरिए टूरिस्ट को अफोर्डेबल प्राइस में काफी यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस मिल सकेगा। तीसरा जो सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखता है वह है हॉस्पिटैलिटी और होटल सेक्टर में। अयोध्या में फिलहाल 17 होटल हैं, जिनकी क्षमता 590 रूम्स की है। यहाँ 73 नए होटल भी पाइपलाइन में हैं, यानी इन्हें अप्रूवल मिल चुकी है, और 40 होटल्स तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन 73 होटल के अलावा 500 होमस्टे, जिसमें 2500 कमरे भी अप्रूव हो चुके हैं। अब इन होमस्टे से जो वहां का लोकल आदमी है, उसे कितना फायदा होगा आप खुद सोच लीजिए। IHCL यानी कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ताज ग्रुप द्वारा ऑपरेट की जाती है। रतन टाटा की ये कंपनी है, इन्होंने भी अयोध्या में 2 होटल्स अनाउंस किए हैं। अब अगले 2-3 सालों में तो ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ के 100% होटल बुक रहेंगे। वजह हो सकती है कि फिलहाल डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है।
मैरियट इंटरनेशनल, विंडहम जैसी कंपनियों ने नए होटल के लिए डील साइन कर ली है और ओयो 1000 होटल रूम्स और शामिल करने जा रहा है। रियल स्टेट की बात करें तो रियल स्टेट में भी विजिबल बूस्ट देखने को मिल रहा है। अयोध्या में प्रॉपर्टी रेट्स 10 से सीधे 20 गुना हो गए हैं जब से अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसके अलावा यूपी हाउसिंग बोर्ड 1200 एकड़ का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। वहां पर बहुत सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनेंगी, सरकारी गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। इसके अलावा नई टाउनशिप भविष्य में बसाने का टारगेट यूपी सरकार सेट कर चुकी है। अब अयोध्या में इन सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बीच ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि अयोध्या एक मॉडर्न सिटी बनकर उभरे, जैसे अयोध्या यूपी की पहली सोलर सिटी भी बनने जा रही है, जिसके पीछे कारण है भगवान श्री राम का सूर्यवंशी होना और इसके अकॉर्डिंग अयोध्या सूर्यवंश की कैपिटल भी हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट का विजन अयोध्या में इलेक्ट्रिसिटी सूर्य के जरिए जनरेट करना है और इसीलिए अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव में सोलर पावर का यूज करके हेरिटेज साइट्स, 80+ गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ हिस्सा, टेम्पल के आसपास की दुकानें, सरयू नदी की बोट्स और करीब 10,000 घरों में पावर दिया जाएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है। अयोध्या के रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि RBA, देवयानी इंटरनेशनल और जुबिलेंट फूड अपने आउटलेट खोलने जा रहे हैं और तो और बर्गर किंग ने शहर में एक स्टोर भी बनाया है। इसके अलावा अयोध्या में दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू जो कि श्री राम का होगा वह भी बनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का 823 फीट का स्टैचू गुजरात के 790 फीट के स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी पीछे छोड़ देगा। अब इन सभी प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत जल्द अयोध्या वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सिटी बनने जा रही है। यानी अब इस रैपिड डेवलपमेंट के चलते न केवल अयोध्या बल्कि पूरे यूपी की इकोनॉमी में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे अयोध्या में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। पहले ही अयोध्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गाइड, होटल स्टाफ, ड्राइवर्स जैसी हजारों जॉब क्रिएट की जा चुकी है। इतना ही नहीं, लोकल शॉपकीपर्स, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स और छोटे बड़े होटल्स सभी का बिजनेस बूम हो रहा है।